दोस्तों क्या आपको मालूम है इंसान और एनिमल्स की स्किन में ये वॉर्म्स किस कीड़े की वजह से पैदा होते हैं और एक ऐसी हॉर्नेट जिसके डंग मारने से ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी स्किन में लाल गरम नीडल घुसा दी हो। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 7 खतरनाक तरीन इंसेक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो अगर आपके अंदर भी इंटरेस्ट इंसेक्ट्स के बारे में जानने का तो वीडियो पूरी देखना। नंबर 7, एशियन जाइंट हॉर्नेट। एशियन जाइंट हॉर्नेट्स दुनिया की सबसे बड़ी हॉर्नेट्स होती हैं, जो कि ज्यादातर ईस्टर्न एशिया एंड जापान में पाई जाती हैं। वैसे तो इनके नाम से ही पता चल जाता है कि ये साइज में बड़ी होती हैं, बट इनकी क्वीन का साइज 2 इंच से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। इनके बड़े साइज की वजह से इन्हें मर्डर हॉर्नेट्स भी कहा जाता है। दोस्तों एक सिंगल जाइंट एशियन हॉर्नेट 40 से भी ज्यादा 20 किल कर सकती है, वो भी सिर्फ चंद सेकंड्स में। दोस्तों इसकी वजह से हर साल 40 से 50 लोग मारे जाते हैं। दोस्तों इसके काटने का दर्द अगर कंपेयर किया जाए तो ये ऐसा है कि किसी ने आपकी बॉडी में फुल लाल गरम नीडल घुसा दी हो। नंबर 6, टैट्सी फ्लाइज। दोस्तों टैट्सी फ्लाइज लार्ज साइज की काटने वाली फ्लाइज होती है। ये फ्लाइज सब सहरन अफ्रीका में पाई जाती है। दोस्तों अगर इन्फेक्टेड टैट्सी फ्लाई इंसान को काट ले तो वो स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी का शिकार हो जाता है। इस बीमारी में सर में दर्द और बहुत ही ज्यादा थकावट होती है। अगर इस बीमारी का सही वक्त में इलाज नहीं किया जाए तो इंसान की मौत हो जाती है। इनकी वजह से हर साल 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। नंबर 5, बुलेट एंट्स। बुलेट एंट्स सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका के रैन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। दोस्तों बुलेट एंट्स 1.2 इंच तक लॉन्ग हो सकती हैं। इनका ये ह्यूज साइज इन्हें दुनिया के तमाम आंट्स के मुकाबले आंट्स की सबसे बड़ी स्पीशीज बनाता है। इस आंट के डंग मारने का दर्द अब तक के तमाम इंसेक्ट्स के मुकाबले सबसे ज्यादा है। अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये ऐसा है कि आपको रियल की 9mm बुलेट लग गई हो। बहरहाल इसका डंग पॉइजनस नहीं होता, इसलिए इसके काटने के बाद इंसान की मौत नहीं होती। दोस्तों इस आंट को 24 आवर आंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके डंग मारने का दर्द 24 आवर तक रहता है। नंबर 4, अफ्रीकनाइज्ड हनी बीस। अफ्रीकनाइज्ड हनी बीज बहुत ही एग्रेसिव होती हैं, इसलिए इन्हें किलर बीज भी कहा जाता है। दोस्तों ये थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस को फौरन डिटेक्ट कर लेती हैं और एक बार इंसान के पीछे लग जाए तो उसको 400 मीटर तक फॉलो करती हैं। इन बीज की वजह से अब तक 1000 लोग मारे जा चुके हैं और इवन हॉर्सेस और दूसरे जानवर भी इनकी वजह से मारे जाते हैं। नंबर 3, कॉर्न स्नेल्स। कॉर्न स्नेल्स के शेल बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, जिनमें बहुत से पैटर्न एंड कलर्स होते हैं। ये जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही डेंजर भी। दोस्तों ये बहुत पॉइजनस होते हैं। एक कॉर्न स्नेल के डंग में इतना वेनम होता है कि वो 15 लोगों की जान ले सकता है, और एक पूरे कॉर्न स्नेल के अंदर इतना वेनम होता है कि उससे 700 लोग मारे जा सकते हैं। वैसे इनकी वजह से अब तक सिर्फ 100 से भी कम लोगों की मौत हुई है। दोस्तों ये मरीन क्रिएचर है और बहुत रेयर भी, इसलिए लोगों का इससे बहुत ही कम इनकाउंटर होता है। नंबर 2, मॉस्किटोस। दोस्तों मॉस्किटो मोस्ट कॉमन इंसेक्ट है और इनकी 3000 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं। दोस्तों ये इंसान और एनिमल्स दोनों का खून चूसते हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, इंसान और जानवरों को सिर्फ फीमेल्स मॉस्किटो काटती हैं। दोस्तों फीमेल्स मॉस्किटोस के काटने की वजह से इंसान तरह तरह की बीमारियों का शिकार होता है, लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, और इन्हीं की वजह से हर साल 7 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। नंबर 1, बॉटफ्लाइज। दोस्तों ये फ्लाइज दुनिया में बहुत से रीजन्स में पाई जाती हैं। वैसे तो ये खुद ह्यूमंस में डायरेक्टली नहीं अटैक करती हैं, बल्कि और इंसेक्ट्स में डिपेंडेंट होती हैं, जैसे मॉस्किटोस। जब मॉस्किटोस इंसान या जानवर को काटते हैं तो वो बॉट फ्लाइज के एग स्किन में ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि बाद में लार्वा में बदल जाते हैं, जो कि देखने में ऐसा लगता है कि आपकी स्किन से वॉर्म्स बाहर आ रहे हो। दोस्तों ये लार्वा मेडिकल प्रोफेशनल के जरिए रिमूव किया जाता है, और अगर इन्हें स्किन में ही छोड़ दें तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेरी तरफ से टेक केयर, बाय बाय।